हमारे पास तीन किन्नू है, यानी कि मैं 1.5 कप इसमें से जूस निकाली हूँ। तो इसे वॉश कर ले पहले, उसके बाद किन्नू के जूस निकाल ले और इसके जो ऊपर से छिलके हैं आप पानी को बिल्कुल बॉईल कर ले। उसके बाद अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसके अंदर छिलके को डाल दूंगी, ठीक है। इसके ऊपर अब लिड लगा देंगे और आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज फराह, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी आपको ऑरेंज स्ट्रॉबेरी जूस बनाना। रिफ्रेशिंग और फ्रेश जूस आप घर पे बनाएं। आगे रमजान आने वाली है और इफ्तार में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए यहाँ ऑरेंज जूस हमारे पास मौजूद है, मैं यहाँ से 1 कप लूंगी, यहाँ ज्यादा है। और ये तो मैं आपको रेसिपी दिखा चुकी हूँ, ये देखिए ये वाटर है, कलर इसके चेंज हो गया है। मैं छिलके के साथ इसको पानी बॉइल करें, ऑरेंज के छिलके को इसके अंदर डाल दें और ढक दें आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए फिर आप इस्तेमाल करें। यहाँ हमारे पास है शुगर सिरप, ये भी पहले से आप बना कर रख लें। इसके अलावा ड्रेसिंग के लिए कलरफुल, यह हमारे पास शुगर है, स्ट्रॉबेरी 1 कप है, ठीक है। तो चलिए आए बनाते हैं। पहले सबसे पहले स्ट्रॉबेरी इसके अंदर डालेंगे, साथ ही शुगर सिरप इसके अंदर शामिल कर दें, कवर करेंगे। और ऑरेंज जूस डालेंगे, ये देखिए बाकी बचा लिया मैंने, साथ ही इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। दोबारा से बिस्मिल्लाह, अब इसके अंदर मिंट स्लीव डाल दें, साथ ही इसके अंदर ऑरेंज डाल दें, स्ट्रॉबेरीज डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, ग्लास इसके साइडों में लेमन लगा दें, इस तरह से लेमन जूस, ठीक है। देखिए शुगर के अंदर इस तरह से कोट कर लें, इस तरह से फैंसी कर लें आप। मिंट स्लिप डाल दें, आइस डालेंगे और इसके अंदर जूस डालेंगे, ये देखिए जबरदस्त हमारे ऑरेंज स्ट्रॉबेरी जूस तैयार है। ऑरेंज स्ट्रॉबेरी जूस तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।